हेलो स्टूडेंट, देखिए मैट्रिक्स का 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखना, कुछ 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 नहीं करना है। जब आप इसे ऐड करोगे क्या आएगा, देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फाइव, इसमें पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसी पे सब बेस्ड है। इसको आप कैसे करोगे देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे आप सॉल्यूशन अपना डाल लेना, ठीक है। A प्लस बी किसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, A प्लस बी। देखो A और B बताया, तो A को हम लिख लें 2, 4, 3, 2, ठीक है, और प्लस B बताओ क्या है, 1, 3, -2, 5। एड कैसे होता है, एड आप लोगों को करने बताए थे, बोलिए एड कैसे होता है, बोलो। A11 इसके A11 के साथ जुड़ेगा, A12 इसके A12 के साथ जुड़ेगा। अच्छा यही बताया था ना, तो चलो आप करो, बताओ 2 और 1 कितना होगा, 2 + 1 = 4 + 3, ठीक है, और 2 यहां पे 3 है ना, 3 - 2, फिर 2 + 5, यानी यहां पे माइनस है तो क्या होगा मेरे भाई, 4 2 और 1 3, यहां पे क्या होगा 7, यहां पे 1 और यहां पे 7 हो गया। अब इसी को तुमको घटाना है, इसी को क्या करना है, घटाना है। तब घटाओगे कैसे बोलो, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको माइनस लगा देते हैं, आप लोग अपने से चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बताओ माइनस लगा दे, बताओ क्या होगा, ए माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा। मैंने इसी में कर रखा है, लेकिन आप ऐसे मत करना, ठीक है। चलो देखो, 2 - 1 = 4 - 3, और 3 माइनस यहां पे पहले से है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 - 5, ठीक है, 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा बाबू 5, और 2 में से 5 घटाओगे क्या आएगा -3, तो यानी दूसरे का आंसर क्या मेरा आ रहा है 1, 1, 5 और -3, ठीक है। अब हम तीसरा करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3, पार्ट 3 क्वेश्चन, इसका आप कैसे करोगे ध्यान से देखो, पार्ट 3 का इसका हम कैसे करेंगे। पार्ट 3 क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें भी 3a - c दिया हुआ है, क्या दिया है 3a - c, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करिएगा, सबसे पहले तो 3a आपका क्या दिया है 2, 4, 3, 2, और C क्या दिया है भाई -2, 5, 3, 4, बताइए हम 3, अच्छा 3 का कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई का एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा, कि जो मल्टीप्लाई होता है ना, वो अंदर के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है। यदि कोई भी बाहर एलिमेंट दिए हुए हैं मैट्रिक्स में, कोई भी जितने उसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं उसके सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है। अब बताओ आप सभी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी 3 को 2 के साथ करोगे तो 6 आएगा, 3 को 4 के साथ करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, 3 को 3 के साथ करोगे तो 9 आएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। फिर अब यहां पे आपको माइनस करना है, सी तो माइनस है, -5, 3, 4, ओके। अब क्या करिएगा, अब नीचे इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 6 और पहले भाई माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यानी 6 + 2 हो जाएगा, फिर बताओ 12, फिर यहाँ पे माइनस यानी -5, फिर 9, 9 - 3, 6 - 4, ओके। चलिए 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, अच्छा 12 है, 12 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा 7 आएगा, फिर 9 में से 6 3 माइनस करोगे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 2, यही तुम्हारे क्या हो जाएगा इसका आंसर आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। यहाँ पे देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ रहे होंगे और करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, a × b, अब मल्टीप्लाई करने वाली बातें आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखना कि आप इस तरह के मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2, 4, 3, 2, ठीक है। अब किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है मेरे भाई, बी, बी क्या है 1, 3, -2, 5, ठीक है।
ए और बी ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का एक रूल समझो पहले। जो रो है मैं एक चीज बताऊं आपको वेट एक मिनट। जो आपका रो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान दो, यहां पे ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट आपका रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। समझ पा रहे हैं, कुछ क्लियर है? चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, अब बताइए क्या होगा। फर्स्ट रो का हम सभी कॉलम के साथ किए, तो फर्स्ट रो में क्या है, टू, तो टू बन जा टू, और फोर टू जाए एट, यानी माइनस एट। क्लियर है बोलो, क्लियर है? चलो ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो मेरे भाई, तो थ्री टू जा सिक्स, और फिर फाइव फोर जा ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ क्या करोगे। अब जो सेकेंड मेरा रो है उसको हम इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो आगे देखो, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, बताओ थ्री आएगा, अब टू टू जा फोर, यानी माइनस फोर। अब थ्री का थ्री में करो, नाइन आएगा, थ्री थ्री जा नाइन, फाइव टू जा टेन, बताओ आगे सॉल्व करो कितना आ रहा है, एट में से टू माइनस करोगे माइनस सिक्स आएगा, यहां कितना आ रहा है माइनस वन, थ्री ट्वेंटी सिक्स, ये तुम्हारा नाइनटीन। तो कुछ आप लोग क्लियर हुआ कि फर्स्ट रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो को फिर कॉलम सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम सेकेंड रो में चलेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, फिर सेकेंड रो में चलेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके क्लियर है? बताइए क्लियर है? चले आगे, चलिए पार्ट है बी ए, यानी इसी का फाइव, क्या है बी ए। अब देखो यार, अब डायरेक्ट इज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, इसमें तुम्हें पहले लिखना होगा फिर सॉल्व करना होगा। अब बताओ बोलो बी क्या है, वन है, थ्री है, माइनस टू है, फाइव है, बी क्या है तुम्हारा बोलो, सॉरी ए क्या है, टू है, फोर है, थ्री है, टू है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो नहीं दिक्कत है तो मल्टीप्लाई करो। बताओ फर्स्ट रो का किसके साथ करोगे आप, फर्स्ट कॉलम के साथ, बताओ क्या आ रहा है, बताओ मेरे भाई, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, और मल्टीप्लाई में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है, आप यदि ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, वन का टू में करिएगा तो टू आएगा, थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें कीजिए मेरे भाई, अब फिर से अब चलते हैं, हम रेड वाले पेन को यहाँ पे उठाएंगे और फिर से इसी को यहां से फिर से इसी में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो बताइए इसका इसमें करिएगा तो आपका कितना आएगा सेकेंड कॉलम में, यानी इसका इसमें तो फोर, और थ्री टू जा सिक्स, ठीक है। अब इसका बताओ बोलो, इसका इसमें अब करो, ठीक है, क्या आ रहा है बोलो, तो टू टू जा फोर, यानी माइनस फोर, अब फिर फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन, ठीक है। अब फिर जो आपका ये है, अब फिर से अब इसी को हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, फोर टू जा एट, यानी माइनस एट, फाइव टू जा टेन, तो प्लस टेन। अब बताइए नाइन और टू टेन, सॉरी नाइन और टू इलेवन, सिक्स और फोर टेन, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा इलेवन, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बाबू टू। क्या आंसर सही है? हाँ सर,
तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को कुछ इस तरह से यहां पे सॉल्व करेंगे। देखिए यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। हाँ, आप लोग को हायर कॉन्सेप्ट यदि चाहिए कि थोड़ा सा अपर लेवल के कॉन्सेप्ट चाहिए एनसीईआरटी को छोड़ के, तो मेरा एक रामानुजन सीरीज स्टार्ट हुआ है। आप वहां से जाकर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर सकते हैं। वहां पे जाइए, देखिए, समझिए, बहुत अच्छा वहां पे भी आपको समझ में आने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।